इधर मध्य प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि राहत शिविरों में सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों को राहत देने में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। हवाई दौरे के बाद सीएम सीधे वल्लभ भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 267 लोग एयरलिफ्ट किए गए और करीब 11,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। इसलिए हमें अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से निपटने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भोपाल से सभी आवश्यक संसाधन और राहत चौपाल तक पहुंचाना है और इसलिए आप सब युद्ध स्तर पर इस काम में जुट जाएं। सारे विभाग, संबंधित अधिकारी, दो दृष्टिकोण होते हैं ऐसी आपदा में। एक ये कि जितना हो गया हो गया, बाकी तो लोग निपट लेंगे अपने आप, लेकिन दूसरा ये होता है, कई बार ये होता है कि ज्यादा नुकसान का आकलन ही मत करो, बच के प्रशासन निकल जाए, क्या करना है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। हर स्तर पर बेहतर फिर से पुनर्वास की उनकी व्यवस्था करनी है। एक चुनौती हमारे सामने है और यह धर्म है हमारा कि हम पीड़ित जनता की बेहतर सेवा करके उनको फिर से बसाएं।